दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक हॉल जिसमें मैंने आजियो से कुछ चीज़ें परचेज की हैं और मित्रा से एक चीज़ें परचेज की हैं। तो मैं ये दोनों का हॉल आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक पैकेट खोल के दिखाती हूँ, जिसे मैं साइड कर देती हूँ। तो ये रहा पहला जो मैंने आजियो से खरीदा है, और आजियो से मैंने दो चीज़ें खरीदी है। एक है ये दीवा का एक टॉप, और ये है कुर्ता, ये आजियो का कुर्ता है। तो मैं एक एक ओपन में करके दिखाती हूँ। तो ये रहा पहला टॉप, और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में खरीदा है और सेल के दौरान खरीदा है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का एक टॉप है, प्योर वाइट नहीं है, थोड़ी सी इसमें बेज वाइट कलर की इसमें कलर है। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पूरे, इसमें आपको गोल्डन कलर के इसमें प्रिंट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे बीच में यहाँ पे थोड़े से स्लिट्स मिलते हैं, और ये आपके वेस्ट लाइन तक आएगा ये टॉप। आप इसे किसी भी तरीके के स्कर्ट के साथ, लहंगा स्कर्ट जो होता है उसके साथ अगर ट्राई करो तो ट्राई कर सकते हो। और इसकी स्लीव्स आपको दिख जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्लीव्स है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छे वाली स्लीव, मतलब थोड़ी लॉन्ग स्लीव्स नहीं है, स्लीव्स है मगर शॉर्ट स्लीव्स है। और स्लीव्स में आपको कुछ इस तरीके के थ्रेड के वर्क दिख जाएंगे, गोल्डन वर्क है इसमें, गोल्डन वर्क है। और आप देखिए ब्रांड यहाँ पे है वीवा, और इसमें मेरा साइज है 34, और इसका प्राइस है 999 रुपीज, 1000 रुपीज इसका प्राइस है, मगर मैंने इसे ओनली आई थिंक 300 और 400 रुपीज में खरीदा है। और इसकी चीज़ बस एक ही चीज़ बुरी है कि ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर में आपको कॉटन की लाइनिंग मिल जाती है, कॉटन का अस्तर आपको मिल जाता है अंदर, मगर ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। आपको अंदर में एक स्टेगडी वगैरह, आपको इनर वगैरह आपको पहनना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा सा आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ये आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है पहनने में, मगर ये बहुत ही खूबसूरत एक ये है टॉप है। और यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के आपको हुक्स मिल जाते हैं। ओ सॉरी, ये चीज़ तो मैंने भी नहीं देखा, ये पूरा ओपन होता है, यहाँ पे पूरे में आपको यहाँ पे हुक्स मिल जाते हैं, ये पूरा ही ओपन होता है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ये पूरा ही ओपन हो जाता है, जो कि मैंने अभी देखा, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, यही इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो ये रहा मेरा पहला टॉप, और दूसरी चीज जो मैंने खरीदी है वो ये कुर्ता है, जो कि ब्रांड आजियो की है, आजियो की है, और इसका मेरा इसमें साइज है मीडियम, और ये प्योर कॉटन का कुर्ता है, ब्लू कलर में है, और इसमें आपको यहाँ पे प्रिंट्स दिख जाएंगे, ये व्हाइट प्रिंट्स नहीं है, ये थोड़े से बेज प्रिंट्स इसमें किए हुए हैं। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, और ये आपको टू पीस में रिसीव होता है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको, मस्टर्ड कलर का कुर्ता मिलता है, मेरे कैमरे में थोड़ा सा फेडेड कलर आपको दिख रहा होगा, मगर नहीं, ये प्रॉपर मस्टर्ड कलर का ये कुर्ता है। और सॉरी, और यहाँ पे आपको थोड़ी लॉन्ग स्लीव्स मिल जाती है, आपके आपकी एल्बो तक ये आएगी, और उसके बाद ये एक बिल्कुल इसमें साइड में आपको स्लीव्स मिल जाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे साइड में स्लीट मिल जाते हैं, और ये प्रॉपर एक लॉन्ग कुर्ता है, देखिए इसके अंदर कोई इनर वगैरह नहीं है, एक प्लेन कुर्ता है। और इसके बाद ऊपर में हमें जो तो ऊपर में आपको कुछ इस तरीके का स्लीवलेस, एक आपको अंगरखा स्टाइल का आपको
जैकेट मिल जाता है जो कि जिससे आप बहुत सारी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे एक यहाँ पे डोरी मिल जाती है जिसे आप ओपन कर सकते हो, और ये देखिए आप इसे ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, और ये देखो ये बिल्कुल एक अंगरखा स्टाइल का ये जैकेट है। देखिए ये बिल्कुल एक अंगरखा स्टाइल का ये जैकेट है। इसे आप रैपिंग टाइप में आप रैप करके इसे आप पहन सकते हो। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा, मैं इसका पूरा लुक आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो अगर आप इसे वेयर करते हो तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। आप इसकी एक खासियत चीज है कि आप इसे इसके सिंगल सिंगल अलग अलग भी आप इसे वेयर कर सकते हो, और आप इसे एक साथ भी वेयर कर सकते हो, और इसे आप बहुत तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो। और आपको मैंने एक चीज दिखाना भूल गई, तो ये आपको यहाँ पे पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे साइड में आपको पॉकेट्स भी दिख जाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, और आपको अभी जो कलर दिख रहा है ये प्रॉपर कलर है, यही इसका प्रॉपर कलर है। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके का है, और इसका प्राइस आई थिंक मैं बताना भूल गई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और पर मैंने इसे डिस्काउंट प्राइस 500 रुपीज़ में खरीदा है। 500 रुपीज़ में इतना प्यारा और इतना खूबसूरत कुर्ता मार्केट में मिलना तो मुश्किल ही है। तो आप इसे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैं मिंत्रा से मैंने जो खरीदा है इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने मिंत्रा से खरीदा है, ये स्कर्ट है जो कि सांग्रिया की तरह से है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। आप देखिए ये प्रॉपर ऑरेंज कलर का एक स्कर्ट है, और आप देख सकते हैं इसका प्राइस है 1699 रुपीज। यस, पर मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 450 रुपीज में खरीदा है। बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में खरीदा है। आई थिंक कुछ सेल चल रहा था तभी दौरान मैंने खरीदा था, पर मुझे अभी मौका मिल रहा है शेयर करने का, तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत एक स्कर्ट है, तो मैं इसे ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ब्रांड में लिखा हुआ है सांग्रिया, और यहाँ पे आपको वेस्ट लाइन में आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे इलास्टिक वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ आपको इस तरीके की डोरी मिलती है, इसे नाड़ा, सॉरी इसे नाड़ा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे नाड़ा मिलता है, और साइड में आपको चेन मिलता है। तो आप देखिए साइड में आपको चेन मिलता है, और इसे हम जब ओपन करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा खासा फ्लेयर आता है। बहुत ही अच्छा खासा इसका फ्लेयर है जो कि कैमरे में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितना सकूं मैं आपको दिखा पाऊं। यहाँ से स्टार्ट करके कुछ इतनी बड़ी इसकी फ्लेयर है, ये मेरे कैमरे में भी फिट नहीं हो रही। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इसकी फ्लेयर है। ये बहुत ही प्रिटी स्कर्ट है, बहुत ही प्यारा स्कर्ट है, पर इसकी एक ही चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, कॉटन नहीं है, और ये थोड़ी सी सिंथेटिक काइंड ऑफ इसकी मटेरियल है, और इसके अंदर में कोई भी आपको इनर वगैरह नहीं मिलता, जो कि मुझे यही चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी इसकी कपड़ा सभी बहुत अच्छा है, और आप इसे गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं, या फिर किसी भी गर्मियों में किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं। मगर आप अगर अंदर में एक लेगिंग्स या फिर अंदर में कुछ प्लाजो वगैरह शॉर्ट प्लाजो जो आता है वो अगर ट्राई करो, वो अगर पहन लो, तो ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा पहनने में।
तो आप इसे जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट है, सॉरी स्कर्ट है। तो सॉरी फॉर दैट अगर मेरी आवाज आपको थोड़ी सी फूली फूली लग रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।